सब बब्बन के मुताबिक जिसने शारदा को किडनैप किया शायद ये वही आदमी है जिसने बच्चों को भी किडनैप किया होगा और शारदा नहीं ये प्लान बनाया होगा कि वो उसके साथ भाग जाएगी। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि शारदा इन सबके साथ मिली हुई हो? अगर ऐसी ही बात है तो उसने शारदा पर हमला क्यों किया और शारदा को किडनैप क्यों किया? या शारदा कोई गैर कानूनी काम करती थी? शिंदे सवाल तो कई है लेकिन सबसे पहले तुम उस वैन का पता लगाओ। ओके सर। पुलिस ने कार की सुराग में एक एक गैराज की छानबीन की और आखिरकार उनके हाथ कामयाबी लगी। साहब आप जिस वैन की बात कर रहे हैं वैसी एक वैन तो हमारे पास आती है सर्विसिंग के लिए। उस वैन की डिटेल्स हमें दीजिए। साहब अपना गैरेज इतना बड़ा तो है नहीं इसलिए हमारे पास इतनी डिटेल्स रहती नहीं। हाँ मैं इस वैन का आपको नंबर दे सकता हूँ वो हम लोग रजिस्टर में लिख लेते हैं। परी परी तू ठीक है ना? क्यों सही? बैठ जल्दी आराम मैं पानी लेके आया। परी वो दे लापता नाम रानी रंगे हुआ सफेद टॉप और लंबे बाल इसके साथ दो और बच्चे भी हैं। किसी भी व्यक्ति को इनके बारे में कोई भी जानकारी हो तो तुरंत मुंबई पुलिस को संपर्क करें। साई अब क्या होगा? मोनू पुलिस सर आरटीओ से हमें गाड़ी के ऑनर की डिटेल्स मिल गई है। वो वैन किसी प्रशांत मोरे के नाम रजिस्टर्ड है और एड्रेस कलीना का है। प्रशांत जी मैं उसका बड़ा भाई दीपक हूँ। सर ये सोनम है प्रशांत की वाइफ। प्रशांत है कहाँ अभी? जी वो तो बाहर है एक्चुअली मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम रहता है उनका तो एक क्लिनिक से दूसरे क्लिनिक उनको जाना पड़ता है। आप क्या करते हैं? सर फिलहाल तो मैं जॉबलेस हूँ मगर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? एक किडनैपिंग और मर्डर केस के सिलसिले में हम यहाँ पर आए थे। प्रशांत के साथ साथ हमें एक औरत शारदा की भी तलाश है। एक गिरोह है जो बच्चों को किडनैप करता है। सर मेरी बेटी परी वो पिछले 4 हफ्तों से लापता है। मैंने कंप्लेंट भी रजिस्टर करवाया ये अपना कलीना पुलिस स्टेशन में लेकिन अब तक उसका कुछ पता नहीं चला। आपकी बेटी 4 हफ्तों से लापता है? यस सर। ठीक है आप अपनी बेटी और प्रशांत की फोटो दीजिए और प्रशांत का मोबाइल नंबर भी दीजिए। सनी ये फोटो देखो और पहचानो कैसे जानते हो? ये तो परी दीदी है ये तो हमारी लीडर थी इन्हीं के बाद हमको मारनी पड़ती थी। अगर परी आजाद है तो वो घर क्यों नहीं आ रही है? सर वो बीमार है उसे लुकेमिया यानी ब्लड कैंसर है उसे दवाइयों की सख्त जरूरत रहती है। सर इसे जानते हो क्या ये वही आदमी है जिसने तुम्हें किडनैप किया था? मुझे नहीं पता मैंने उस किडनैपर का चेहरा कभी नहीं देखा। सर कहीं ना कहीं शारदा शिवम और प्रशांत ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं और जिसने किडनैप किया है वो कोई चौथा है। हो सकता है इसीलिए तो तीनों के तीनों गायब हो गए। शिंदे पता करो इस दीपक ने अपनी बेटी परी की मिसिंग में लिखवाई थी भी या नहीं। हो सकता है वो भी शारदा की तरह झूठ बोल रहा हो और वो भी इस किडनैपिंग करने वाले गिरोह का मेंबर हो। सर और एक बात परी उस टेम्पो से भागने में कामयाब तो हुई थी पर वो आखिर में घर वापस क्यों नहीं आई? हो सकता है उसे पता होगी इस किडनैपिंग के पीछे प्रशांत का हाथ है तो प्रशांत के डर के मारे वो घर पर नहीं गई। सर वैसे सनी ने भी यही बोला था कि वो किडनैपर उन बच्चों का अच्छे से ख्याल रखता था खाना और बाकी सब चीजें टाइम पर देता था तो वो किडनैपर आखिर में बच्चों से चाहता क्या था? इसका जवाब तो वो किडनैपर ही दे सकता है। शिंदे याद है तुम्हें
दो महीने पहले हमने बच्चों की तस्करी करने वाले गिरोह को पकड़ा था। इस रघु से पूछताछ कर दे, उसके पास जवाब जरूर होगा। शिवम, प्रशांत और शारदा, इन तीनों को तो तू जानता ही होगा, ये आजकल तेरा धंधा संभाल रहे। इन लोगों को मैंने पहले कभी नहीं देखा, शायद नए लोग हैं जो कि अपना नाम बदल कर धंधा जमा रहे। ये लोग बच्चों को किडनैप करते हैं, कुछ दिन अपने पास रखते हैं, उनकी अच्छे से देखभाल भी करते हैं। आखिर ये लोग चाहते क्या हैं? सब हमारा धंधा और पिज्जे का धंधा एक जैसे ही होता है, 30 मिनट में ऑर्डर खत्म। इतना लंबा हमारे धंधे में कोई किसी को नहीं टिकाता है, रिस्क भी तो हाई हो जाता है। और वैसे भी कॉम्पिटिशन का जमाना है, मार्केट में अलग अलग बिजनेस आइडिया चल रहे हैं, अब इनके दिमाग में कौन सा आइडिया वो आप उनको कैसे मारते। सर आखिर ये गैंग करना क्या चाहता है? रघु जैसे क्रिमिनल को भी इनके कारनामों की कानों कान तक खबर नहीं। इन सबका परी के फैमिली से जरूर कोई ना कोई कनेक्शन हो। परी और प्रशांत दोनों गायब, प्रशांत और शारदा का भी कनेक्शन हो। परी की फोटो हर पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दो। परी और बाकी के बच्चों को बचाना बहुत जरूरी है। सर सर और एक बात समझ में नहीं आ रहा कि सारे बच्चे अपने घर क्यों नहीं जाना चाहते, और इन सबका मास्टर माइंड है कौन? इन्हें इसी का तो पता लगाना है। बच्चे को जानती हो कि मम्मी शांति? तो सिग्नल पे खिलौना जो बेच रहे ना, वही तो है उसकी आई। आप इस बच्चे को कहीं देखा है? इसका नाम चिंटू है, देखिए ना, मैं इसी सिग्नल पे बैठती हूँ, अगर आपको कभी पता चले तो बताइएगा। पहले हमें सिर्फ शांति ही चिंटू की फोटो लिए उसकी खोज में यहाँ वहाँ घूमते हुए दिखाई दे रही थी, लेकिन अब एक औरत भी थी जो चिंटू को ढूंढते हुए दिख रही थी। आखिर कौन थी औरत और क्यों वो अचानक इस तरह से चिंटू को ढूंढ रही थी? इस केस में अब भी ऐसे कई सवाल थे जिनके जवाब मिलने बाकी थे। सब परी के बारे में हमने और पता लगाया। परी के चाचा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है और परी के फादर पिछले करीब एक साल से घर में ही बैठे हुए हैं। और सर ये भी पता चला है कि परी को ल्यूकेमिया नाम की एक बीमारी है, जिसके चलते परी को टाइम टू टाइम प्रॉपर ट्रीटमेंट और दवाइयों की जरूरत पड़ती रहती है। सब परी के फादर ने परी के इलाज के लिए अपना सब कुछ बेच दिया, घर गाड़ी घर का सामान सब कुछ। अभी वो अपने भाई के यहाँ रहता है। शिंदे अगर ऐसी बात है तो ये दीपक परी के इलाज के लिए पैसे कहाँ से लाता है? कि ऐसा तो नहीं कि इलाज के खर्चे के लिए दीपक कोई उल्टा सीधा काम करता हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि खर्चे से तंग आकर इसी ने परी को गायब किया या घर से निकाल दिया हो। वैसे उसका भाई प्रशांत, उसका फोन ट्रेस हुआ? सर प्रशांत के ऑफिस से पता चला है कि प्रशांत 12 तारीख को एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए कल्याण गया था, पर तब से वो किसी को नहीं मिला और उसका फोन भी स्विच ऑफ है। ढूंढो इस प्रशांत को और दीपक पर नजर रखना। ओके सर। परी क्या हो रहा है? परी क्या हुआ? परी क्या हुआ? आपको अपने घर चले जाना चाहिए, आपकी तबीयत बहुत खराब है। मैं घर कभी नहीं जाऊंगी। हेलो सर, हम दीपक अभी अभी घर से निकला है, उसे देख के मामला कुछ गड़बड़ सा लग रहा है। ठीक है, तुम उसका पीछा करो और उसके हर मूवमेंट की जानकारी हमें दो। ओके सर, खबरी का फोन था, उसने दीपक को कहीं संदिग्ध रूप से जाते हुए देखा है, मैंने उसको दीपक को फॉलो करने के लिए बोला है। चलो रानी, हम परी के बिना कैसे रह पाएंगे? यही तो है जो हमारी हिम्मत है, हमें फौरन इसके लिए कोई जगह ढूंढनी होगी जहाँ इसका ध्यान रख पाए। संजना, जो तू ये धंधा कर रही है ना, शराब के नाम पर लोगों को ठग रही है ना, बंद कर दे इसे। उनको अपने मन से दान करने दे, उल्लू मत बना उनको। ए दीपिका, तू ये जो अपना ज्ञान है ना अपने पास रख, जा अपना काम कर अभी। ए तू जा, अरे चल जा, अरे तू जा, बात तू जा, हट यहाँ से, बात कर रही है।
हमारी मदद कीजिए आंटी, हमारी मदद कीजिए, भगवान के लिए उसकी उसकी तबीयत बहुत खराब है हमारी, उसे बचा लीजिए आंटी, प्लीज प्लीज हमारी मदद कीजिए। अरे क्या हुआ इसको? पता नहीं, लेकिन इसकी तबीयत बहुत खराब है और हमारे पास घर भी नहीं है, मदद नहीं किया तो इसकी जान चली जाएगी, प्लीज बचा लीजिए, हमारी मदद कीजिए प्लीज। चल लेकर चल इसको मेरे घर। अभी ठीक लग रहा? अब तुम लोग इधर ही रोकोगे जब तक तुम लोग की दोस्त ठीक नहीं हो जाती। थैंक यू आंटी। कोई बात नहीं, मैं तुम लोग के लिए कुछ लेके आती हूँ। परी तुम चिंता मत करो, हमें रहने के लिए घर मिल गया, अब तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। हाँ परी ताई। मनोज दरवाजा तोड़ दो। शिंदे लगता पीछे से रास्ता है। शिंदे चेक कर। चले तो मर गई। हाथ खोले इसके, ये अभी जिंदा है। शिंदे जल्द से जल्द हमें इस प्रशांत तक पहुंचना होगा। शारदा की मौत और दीपक का इस तरह से घायल होना कई सवाल खड़े कर रहा था। पुलिस ने यह तय कर लिया था कि वो किसी भी हाल में प्रशांत को ढूंढ निकालेंगे। इस केस के पीछे छिपे राज क्या थे? इस केस में पुलिस हर मोड़ पर एक ऐसे चौराहे पर पहुंचती जा रही थी जहां उनके लिए यह समझना मुश्किल हो रहा था कि वो किस दिशा में जाएं। और वहीं दूसरी तरफ बच्चे एक के बाद एक मुसीबतों में फंसते जा रहे थे। माँ का आंचल और घर का आंगन जब छूटता है तब दुनिया की असलियत समझ में आती है, और यही हो रहा था इन बच्चों के साथ। चलो बच्चों, तुम लोग को भूख लग गई होगी, चलो खाना खाएंगे, चलो उठो बेटा। थैंक यू आंटी, हम अब ज्यादा दिन बोर्ड नहीं रहेंगे, हम दो महीने आज चले जाएंगे। कैसी बात कर रही है बेटा, जब तक तू ठीक नहीं हो जाएगी तू कहीं नहीं जाएगी। ठीक हाँ चलो खाओ। किसने किया ये सर? सर
मैं अपने बेटे को ढूंढना चाहता था और कुछ दिन पहले ही पता चला कि क्या भाग गई? कैसे भाग गई? अरे बेवकूफ, परी किसी भी हाल में घर नहीं पहुंचनी चाहिए, समझे? दीपक भाई साहब को पता चल गया ना तो आफत आ जाएगी, किसी भी तरह ढूंढ निकालो उसे। मैंने प्रशांत को कैद कर रखा था सर, क्योंकि उसे पता था मेरी बेटी कहाँ है। पता मेरी परी कहाँ? क्या क्या तुम उसके साथ? आखिर में बहुत मार खाने के बाद उसने मुझे बताया सर, सिर्फ शारदा ये बात जानती है कि मेरी बेटी कहाँ है। उसने मुझे शारदा के घर के पास के शॉप का नंबर दिया जिससे वो उससे कांटेक्ट करता था सर। तो शायद इसी वजह से शारदा के कॉल रिकॉर्ड में कुछ नहीं। फिर तुमने क्या किया? मैंने शारदा को फोन करके चार रास्ता पर बुलाया जहाँ मैंने उसे किडनैप कर लिया। बाद में मैंने उसे बहुत मारा, बहुत टॉर्चर किया, लेकिन उसे भी नहीं पता था कि मेरी बेटी कहाँ है। जब शारदा को तुम्हारी बेटी के बारे में कुछ पता ही नहीं था तो तुमने उसे मार क्यों डाला? नहीं नहीं सर, वो मेरे को खोल दे। तुम्हें ऐसे तो नहीं छोड़ सकता ना, वैसे भी तुम मेरे बारे में बहुत कुछ जान चुके हो। सर, प्रशांत को लगा कि मैं और शारदा मर गए हैं। मैं वो घर के पीछे पानी में फेंकने के लिए ले गया, तभी आपकी गाड़ी की आवाज आई और वो भाग गया हमें वहीं छोड़ के। सर सर कहीं ऐसा तो नहीं कि दीपक अपना जुर्म छुपाने के चक्कर में हमें गुमराह कर रहा हो? शिंदे, इस प्रशांत को ढूंढ निकालो। जिस दिन प्रशांत हाथ लग जाएगा ना, उस दिन दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सर, कलीना रोड पे जो सूटकेस में बच्चे की लाश मिली थी ना, ये उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। प्रारंभिक रिपोर्ट के हिसाब से चिंटू की मौत सर पे चोट लगने से हुई और उसके बॉडी पे उसी के नाखूनों के निशान भी है। सवाल ये उठता है कि चिंटू ने खुद को नुकसान क्यों पहुंचाया और उसकी बॉडी को सिग्नल पर सूटकेस में रख के किसने रखा? सर, शारदा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत सर पर चोट लगने की वजह से हुई और प्रशांत का भी कोई पता नहीं चल रहा है। सर, हमारी एक टीम उसको ढूंढने में लगी है। सर, एसवी रोड से खबर आई है, वहाँ पे कुछ लोगों ने तीन बच्चों के घर में से भागते हुए देखा है और उस घर में डेड बॉडी भी है। हड़िए माने राउत सबको बाहर निकालिए। राउत, पूरे घर को चेक करो, शायद कोई क्लू मिले। सर, आप लोगों में से किसी ने कुछ देखा? साहब, मैंने देखा। बोलिए। साहब, मैं इधर ही बाजू में रहती हूँ और अचानक मुझे दीपिका के चिल्लाने की आवाज आई तो मैं भाग कर इधर आई और देखा उसके घर से दो लड़कियां और एक लड़के भाग रहे थे। फिर मैं जैसे ही अंदर गई, मैं देखकर घबरा गई, दीपिका मर चुकी थी और मैंने फौरन आपको फोन किया। यही बच्चे थे? जी साहब, यही बच्चे थे। बहुत बड़ी गलती हो गई है हमसे, हमें नहीं करना चाहिए था। मोनू दादा, मोनू दादा, परी, परी, क्या हुआ? मोनू दादा, परी, परी क्या हुआ? परी सर, परी, उठो, परी सर, परी क्या हुआ? परी, परी, उठो। मोनू दादा, हम परी दाई को हॉस्पिटल लेकर जाना ही होगा। परी, 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 दाई, ये तो सांस भी नहीं ले पा रही। ये लीजिए आपकी चाय। सनी बेटा, ये लो तुम्हारे लिए दूध। नहीं मम्मी, मुझे दूध नहीं पीना। अरे सनी बेटा, दूध पियो। सनी,
पापा बोल रहे हैं ना, जल्दी से दूध पी लो। मम्मी पापा, यही तो वही लड़का है जिसने मुझे बॉय ढूंढने की हेल्प ली थी, और इसके ही लोगों ने मुझे किडनैप किया था। तुम्हें पक्का यकीन है? हाँ। पापा बोल रहे हैं ना, जल्दी से दूध पी लो। मम्मी पापा, यही तो वही लड़का है जिसने मुझे बॉय ढूंढने की हेल्प ली थी, और इसके ही लोगों ने मुझे किडनैप किया था। तुम्हें पक्का यकीन है? हाँ। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, जो बच्चा दूसरे के बच्चों को किडनैप करने में मदद करता था उसी का खून हो गया। शिंदे कुछ क्लू मिला जिससे ये पता चले कि उस बच्चे की लाश को सिग्नल पे किसने छोड़ा? नहीं सर, अभी तक तो नहीं, लेकिन हमारी कोशिश जारी है। हमारे कांस्टेबल सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे हैं, बहुत जल्द पता चल जाएगा कि उस सिग्नल पे वो बैग किसने रखा। ये प्रशांत और शिवम, इसकी क्या अपडेट्स? अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। तुम ये रुको, मैं डॉक्टर को बुलाइए प्लीज, जल्दी बुलाइए प्लीज। हेलो पुलिस, मैं एक अनाथ हूँ, मैं एक अनाथ आश्रम में रहा करता था जहाँ के सभी बड़े लोग मुझे मारा करते थे, जानवरों की तरह सुलूक करते थे। उन सब के लिए मैं इंसान ही नहीं था सर, इसलिए मैं जब वहाँ से भागा तो मैंने एक कहानी बनाई कि मैंने अपने माँ बाप को मार दिया ताकि सब मुझसे डरे। मुझे पता था कि मेरी आई ने मुझे भेज दिया था, पर मैं ये नहीं चाहती थी कि मेरी आई किसी मुसीबत में पड़े। मैं मेरी आई के प्यार के लिए तड़पती थी, इसलिए मैं वापस घर आ गई, पर मेरी आई ने मुझे फिर से जंगल में ले जाकर छोड़ आई। फिर मोनू दादा और परी दाई मुझे ढूंढते हुए मेरे घर गए, मेरी आई को मारा और उससे मेरे इस जंगल का पता लिया और मुझे छुड़ा कर अपने साथ ले गए। दीपिका को क्यों मारा? सर हमने दीपिका आंटी को नहीं मारा, उन्हें तो। ए दीपिका, तू मेरे काम में ना ज्यादा टांग मत लड़ा, समझी ना? तू ना हमारे समाज का नाम डुबेगी ना तो छोड़ेगी नहीं मैं तेरे को। हाँ, मेरे मन में जो आएगा मैं करेगी, और वैसे भी इन भिखारियों को तू अपने पास रख के हमारे समाज का बहुत नाम ऊंचा कर रही है क्या? ये मेरा पर्सनल मैटर है, उसमें टांग मत लड़ा। बहुत जबान चलने लगी है तेरी, हाँ, इन पिल्लों की वजह से। ए चलो अभी निकलो, निकलो यहाँ से, नहीं तूने मुझ पे हाथ उठाया, हाथ यहाँ से। सर दीपिका आंटी ने हमारी जान बचाते बचाते खुद की जान गंवा दी। सर जिन बच्चों की हमें तलाश थी वो बच्चे हमें मिल चुके हैं, और दीपिका मर्डर केस भी सॉल्व हो गया, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि वो कौन था जो बच्चों की किडनैपिंग कर रहा था और क्यों। इन बच्चों को भी कुछ पता नहीं जिससे हमें कोई लीड मिल सके। सर, सर फॉरेंसिक से चिंटू की विषेरा रिपोर्ट आई। सर इसमें तो बड़ी चौंकाने वाली बात सामने आई है, चिंटू की बॉडी में अलग अलग तरीके के ड्रग्स मिले। सर ये ड्रग्स इतने खतरनाक है जिसके इस्तेमाल से अच्छे अच्छों के होश उड़ जाते, फिर चिंटू तो एक छोटा सा बच्चा ही था। शिंदे छोटे से बच्चे के साथ ये सब, इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। सर सीसीटीवी फुटेज से उस औरत का पता चल चुका है जिसने वो बैग सिग्नल पर रखा था। औरत का नाम गौरी सावंत है और वो कुर्ला के किसी लैब में लैब असिस्टेंट का काम करती है।
ये पकड़ो तुम्हारे और ये तुम्हारे, अब तक का सारा हिसाब क्लियर, ठीक है ना? अपना हिसाब तो क्लियर कर लिया, अब कानून का हिसाब भी क्लियर कर दे। सर मैंने कुछ नहीं किया, सर इस सब का मास्टरमाइंड प्रशांत था, मैं तो बस प्रशांत के लिए काम करती थी। उन बच्चों को किडनैप करके क्या करते थे उनके साथ? बच्चों को किडनैप करके हम उनकी बॉडी पर वो सब दवाइयों का इस्तेमाल करते थे जिनका रजिस्ट्रेशन बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज के पास भी नहीं है। उन दवाइयों के साइड इफेक्ट्स इतने स्ट्रॉन्ग होते थे कि लीगली ये सब करना पॉसिबल नहीं था। सर, मेरी जॉब की वजह से फार्मा कंपनी में मेरा आना जाना लगा रहता था, वहीं से मुझे बहुत सारी दवाइयों का पता चला जिसे गवर्नमेंट इंसानों पर इस्तेमाल करने से मना करती थी। तो सर वहीं से मुझे आइडिया मिला और मैंने ये ऑपरेशन सेटअप करना शुरू कर दिया। हम इन बच्चों का चारा बना के ही दूसरे बच्चों को किडनैप करवाते थे। मैंने एक सुनसान जगह पर अपनी लैब बनाई, वहीं पर बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करता था दवाइयों, और वो रिपोर्ट मैं फार्मा कंपनियों को भेज देता था। अगर कोई बच्चा बच जाता था तो वो दलाल के जरिए किसी और काम के लिए भेज देता था। सर मुझसे चिंटू की मौत देखी नहीं गई, एक अजीब सा लगाव सा हो गया था उस बच्चे से। प्रशांत चिंटू का इस्तेमाल बच्चों को किडनैप करने के लिए एक चारे की तरह करता था। हमेशा उसको बोलता कि अगर तुम बच्चों को किडनैप करने में हमारी मदद करोगे तो हम तुम्हें एक दिन जरूर घर जाने देंगे। पर ऐसा नहीं हुआ सर, हमने उन ड्रग्स का इस्तेमाल एक दिन चिंटू की बॉडी पर भी किया। चिंटू की बॉडी वो ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स झेल नहीं पाई और उसने खुद की जान ली। फिर मेरा जमीर जागा सर, मैंने चिंटू की लाश को उसके माँ बाप को सौंपने का फैसला किया ताकि वो कम से कम अपने बच्चे का अंतिम संस्कार तो कर सके। मैंने चिंटू के गुमशुदा होने का इश्तिहार अखबार में पढ़ा था जिसमें लिखा था कि उसकी माँ शांति सिग्नल पर खिलौने बेचती है। फिर सिग्नल पर जाकर मैंने चिंटू की लाश वहीं छोड़ दी। फर्नीचर की डिलीवरी की आड़ में मैं और मनोज उन बच्चों की तस्करी करते थे। अगर उस रात हमारा एक्सीडेंट ना हुआ होता, वो बच्चे तबाही ना मचाए होते तो हम कभी पकड़े नहीं जाते। ऐसी कौन सी वजह थी जो तुमने परी को भी किडनैप किया? सर, वो लड़की हमारे लिए शराब बन गई थी, बर्बाद हो गया था मेरा भाई उसके पीछे, सब कुछ बेच बाज के मेरे घर पे आके रहने लगा था। और इतना ही नहीं सर, उस परी के इलाज में मेरा भी पैसा लगने लगा था। मैंने सोचा कि कुछ करना पड़ेगा, इस लड़की से पीछा छुड़ाना पड़ेगा। और वैसे भी मुझे वो कैंसर की दवाई का एक्सपेरिमेंट करना था जिसके लिए परी बिल्कुल सही लड़की थी। शारदा से तुम्हारा क्या लेना देना था? तुम उसे कैसे जानती? और ये रानी, ये कहाँ मिली तुम्हें? सर, शारदा ने अपनी बेटी रानी को हमें बेच दिया। तुम लोगों ने जो जुर्म किया है वो इंसानियत को शर्मसार करने वाला है। कानून की किताब में तुम लोगों के लिए जो भी सजा लिखी होगी ना, वो कम ही होगी। बाकी के बच्चे कहाँ हैं? बेटा, हमें पता है कि तुम्हें तुम्हारे अंकल ने किडनैप किया था। एक बात बताओ, जब तुम उनके चुंगल से भाग गई थी तो अपने घर क्यों नहीं गई? मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उन्हें परेशान करना नहीं चाहती थी। मेरी इस हालत के कारण उनका सब कुछ बिक गया। मैं घर वापस आकर उन पर बोझ नहीं बनना चाहती। परी बेटा, क्या कह रही है तू? कोई बेटी अपने बाप के लिए बोझ होती है क्या? मेरा तो सब कुछ तू है, मुझे ये पैसा बंगला घर गाड़ी इन सबका करना ही क्या? जब तू ही मेरे पास नहीं होगी तो मुझे इन सब चीजों के जाने का कोई गम नहीं है बेटा। मेरी असली दौलत तू है बड़ी। आखिरकार ये गुत्थी सुलझी। पुलिस ने बड़ी ही कुशलता से इस केस की एक एक कड़ी को सुलझाया।
जुर्म की जड़ों का सफाया किया और आखिरकार एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश हुआ जिसने न जाने कितने ही बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया। इन बच्चों में से कुछ की हालत तो काफी नाजुक थी, पर वक्त पर मिली पुलिस और डॉक्टर्स की मदद से उनकी जान बचाई जा सकी। पुलिस ने अवैध तरीके से चल रही सारी लैब्स पर छापे मारे और सारी गैर कानूनी सामग्री को जब्त कर लिया। शॉर्टकट में चंद पैसों के लिए प्रशांत ने जो कुछ भी किया वो ये सवाल खड़ा करता है कि क्या हमारे समाज में इंसानियत बिल्कुल खत्म हो चुकी है। परी ने अपनी बीमारी की वजह से बढ़ते बोझ को अपने पिता के कंधों से उतारने के लिए अपना घर छोड़ दिया। मोनू ने अनाथ आश्रम में हुए जुल्मों से तंग आकर बाहर अपनी दुनिया बसाने के बारे में सोचा। सनी ने पढ़ाई के दबाव में आकर घर से दूरी बनाई और रानी को उसकी माँ की नफरत ने घर से दूर कर दिया। घर से निकलना बहुत आसान है लेकिन घर से बाहर की दुनिया बहुत बेरहम है, मौका परस्त है और धीरे धीरे ये सब ने जान लिया। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक 1 को, सीख हम सबको। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।